सो गाइस, अभी मैं मैनचुका में हूँ और मैं एक कैफे में आया था, सोचा कि मेरा वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब अजीब लगा क्योंकि मेरे को पर डे 2GB मिलता है और कैफे में वो एक्चुअली सैटेलाइट से डायरेक्ट है और 2GB पर मंथ मिलता है। मैं जान के शौक हो गया, भाई ने बताया भाई। और यहाँ BSNL चलता है और नेटवर्क किसी का भी नहीं है, BSNL भी कभी कभार आता है ना, तो सैटेलाइट से चलता है 2GB पर डे। सोच रहे हो कितना मतलब कम है, हम 2GB पर डे यूज कर लेते हैं और कम ही पड़ता है वो। तो लाइक जो भी नेटवर्क देख रहे हैं तो थोड़ा देखो यार, ध्यान दो। इधर माचुका में टूरिस्ट प्लेस है और लोग भी रहते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाता है। और हमारा वीडियो 2.5GB का है, बोलते 2GB महीने का है, तो हमारा तो होएगा ही नहीं। तो दो दिन से बहुत दिक्कत है, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, आपको वीडियो देखने नहीं मिल रहे हैं हमारे चैनल। तो माचुका बहुत ही खूबसूरत सा सिटी है और लोग भी बहुत फ्रेंडली है। मैं जब से अरुणाचल आया मुझे फ्रेंडली हुआ फील, क्योंकि लोग मुझसे खाने का पैसा ही नहीं लेते हैं और वो एक हम बोलते हैं मैं आप मेहमान हैं हम नहीं लेंगे, तो ये चीज़ अच्छा लगा मुझे जान के। तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा जी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा 2GB में से लगभग 2.5GB तो यूज़ हो चुका है, मेरा 1.5 GB यूज हो गया अभी तो। जो जो अभी फिर आपका अपलोड होगा, सबसे पहले अपलोड होना बहुत इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। अच्छा अच्छा, अगर आपका अपलोड हो भी गया तो लगभग आपको कल तक लग जाएगा, कल लग जाएगा, लगा के छोड़ दें मोबाइल रख दें इधर। फिर आप मेरा ओवर आपका ये जैसे आपका ओवर यूज का एक्स्ट्रा यूज का पैसा पे तो आप कितना पे करते हो? 12,000 रुपये, 12,000 रुपये GST। यार मैं लूट जाऊंगा 12,000 रुपये, एक तो 2GB का कौन दे रहा है यार 12,000 1GB का। इतने में मैं ना 4-5 साल के लिए मोबाइल रिचार्ज करा लूँ, 5 साल के लिए मैं रिचार्ज करा लूंगा एयरटेल। हम लोग भी यहाँ से जब मेन टाउन में जाता है ना, अलाउड वगैरह से, तो हम लोग का तो हमेशा एक यहाँ में जितना भी मिचुका है, मिचुका में जितना भी पढ़ा लिखा है जो भी हो, यहाँ में जितना भी यहाँ निवासी है, उनका मोबाइल में दो सिम हमेशा रहता है, एक एयरटेल एक BSNL मिचुका के लिए। एयरटेल जो है जब यहाँ से हम लोग निकलते हैं दूसरा मतलब दुनिया में निकल जाता है, एक ये दूसरा ही दुनिया है जी जी, इसलिए हम लोग एकदम दुनिया दो सिम का एकदम दुनिया से कट गए, नो इंटरनेट नथिंग कुछ भी नहीं है। तो अजीब सा लगता है थोड़ा हमको इधर आके, लेकिन आप लोग का डेली लाइफ का है तो थोड़ा अभी एडजस्ट करते हो, लेकिन हमें तो आदत लग गया। मैं 2 SIM यूज करता हूँ तो दोनों में 2-2 GB मतलब 4 GB पर डे मुझे मिलता है। आपको 2 GB मतलब अफसोस होता है, मतलब ऐसा लगती है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, सर्विस थोड़ा देना चाहिए यहाँ पे। तो एयरटेल जब आ जाएगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, हम के लिए भी अच्छा होगा। हाँ तो हमको बिजनेस का तरीका बदलना पड़ेगा, हाँ बिजनेस का थोड़ा सा ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास एयरटेल आ जाएगा तो फिर ये कैफे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जी जी, नहीं हम उसी आपका जैसे जैसे वैसे ऐसे जैसे जैसे ऐसे चेंज हो जाएगा उस समय, इंटरनेट से जैसे आप जैसे अभी यूट्यूब बना के अपलोड करके कुछ कुछ कमाता होगा, हाँ हाँ हाँ। हो सकता है हम भी ऐसे करना शुरू कर सकते हैं, ऐसे तो हम लोग हम तो यहाँ बिजनेस थोड़ा बढ़ जाएगा, सोर्सेस बढ़ जाएंगे, बिजनेस करके 2-3 साल ही हो रहा है। हाँ हाँ। तो नीचे से पढ़ के आया। अच्छा अच्छा, कहाँ पढ़ाई किया मैंने आपका? ये आलो में पढ़ाई, आलो में पढ़ाई किया, सैन फ्रांसिस डे सेल्स कॉलेज। हाँ देखा, मैं गया था, अभी फिर से आलो में भी जाऊँगा, फिर जाऊँगा एक और जगह है ना, जब पासीघाट, क्या पासीघाट भी देखना है। पासीघाट नहीं, आप कहाँ से आए? मैं आया लिखेबल से। अच्छा अच्छा, सॉरी। तो फिर अभी जाएगा फिर ना आलो, आलो से फिर जाएगा पासीघाट, फिर आएगा फिर जेरो, जेरो से फिर जाएगा मैं तवांग। जीरो बहुत अच्छा है, जीरो अच्छा है ना, वहाँ का लोग भी अच्छा है, यहाँ का फैमिलियर है। हाँ फैमिलियर है ना, आदि लोग ही है ना? नहीं नहीं, आप पता नहीं, आप पता नहीं, तो अलग ट्राइब है यहाँ पे। क्या आदि यहाँ में आदि मेंबर लोग हैं, मैं चुका हूँ मेंबर लोग हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंडली, मैं सबसे मिला था। आदि भी यहाँ पे, आदि भी है ना, ये सियोमी डिस्ट्रिक्ट जिला का नाम सियोमी है। ओके, तो इसमें आपका मेजर ट्राइब जो है यहाँ पे जाकर जो मेजोरिटी है वो आदि ट्राइब है, आदि ट्राइब है। इसके बाद नेक्स्ट होता है मेंबा, मेंबा फिर हम लोग माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में आ जाता है। हाँ, ताकि ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ओके, तो लेकिन भी यहाँ में ऐसे बोल के नहीं, हम लोग कभी ट्राइब्स गिनता बोल के नहीं गिनता, हम लोग ह्यूमैनिटी गिनता है, ह्यूमैनिटी गिनता एक साथ रहता है। अच्छा अच्छा, कोई अलग से नहीं है ऐसा कुछ, सब भाषा भी। लेकिन मैं नॉर्मली सबको देखा, अपना लैंग्वेज कम ही बोलता है घर में या अपने के साथ,
लोगों के साथ लोग हिंदी ही बोलते हैं। यहाँ में हिंदी चलता है। मैं अजीब लगा मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सर आपको अजीब तो लगा ही होगा, आप पहला आदमी ने यहाँ विजिट करते हैं, ऐसे ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो मालूम है, तो यहाँ में लोग सब आता है, सब सरप्राइज होता है। यहाँ का हिंदी अच्छा बोलता है, हर कोई हिंदी बोलता है। मैं भी बस फेस देखे थोड़ा लगा था अजीब सा, अरे हिंदी। तो एक्चुअली यहाँ में ऐसे है कि यहाँ का जो लोग है वो ज्यादातर नीचे तरफ में रहता है, यहाँ के नीचे में पढ़ाई वढ़ाई करता है, पूरी हिंदी भी बोलते हैं, और घर में भी आके हिंदी ही बात करते हैं। मैं कुछ शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चों को हिंदी बात करता हूँ। अच्छा, आप शादीशुदा में से? तो आपसे मिल के अच्छा लगा। मुझे भी मिल के अच्छा लगा। फिर मिलते हैं, क्या करें आज आपका मजबूरी है, क्या करें। कोई बात नहीं, वीडियो दो चार दिन बाद अपलोड करेंगे आलो में जाके। ओके, कोई बात नहीं, बेहतर है। ओके, सेट जर्नी। ओके, तो ऐसा है गाइस, वीडियो अपलोड, आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे अभी चार पाँच दिन तक, शायद आलो में जाएंगे तो कुछ वीडियो मिल सकते हैं। एयरटेल आने वाला है, लेकिन डेढ़ दो साल लग जाएंगे, तो तब भी ठीक ही है, डेढ़ दो साल में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये देख लो यहाँ का व्यू यार, ये तो तीसरी चौथी बार दिखा रहा हूँ, लोग से मिल के अच्छा लगता है।